नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, परीक्षण करेंगे, जानेंगे क्या क्या विशेषताएं इनके हाथों में और ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनके हाथ के कलर के बारे में। देखिए, थोड़ा डिफरेंट कलर का हाथ में पिंकिश कलर के धब्बे बन रहे हैं। पिंक येलो कलर का हाथ है, उसके ऊपर पिंकिश कलर के धब्बे। दूर से देखेंगे तो पिंकिश कलर का हाथ दिख रहा है। पिंकिश कलर का हाथ मतलब अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप और पैसे के मामले में, लेकिन ये जो डॉट बन रहे हैं तो इस वजह से ये दर्शाते हैं कि पेट संबंधी कोई या फिर इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ बीमारी इनके हाथों में हमें नज़र आ रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ का शेप, देखिए स्क्वेरी शेप का हैंड नज़र आ रहा है। तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत के दम पर ऐसे व्यक्ति ने जीवन में जो भी मुकाम पाना है, जो भी इनकी महत्वाकांक्षा है ये पूरी करने की ऐसे व्यक्ति काबिलियत रखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में एक विशेष चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखिए, ये है मस्तिष्क रेखा। व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा अगर आपकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई हो तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति रूढ़ी परंपरा, जो भी हमारी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसे फॉलो करना या फिर उसे पूजा अर्चना करना, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को पसंद होती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में अपने मम्मी डैडी माँ बाप इनका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान देने की ऐसे व्यक्ति में ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और इस वजह से इनके जीवन में हमेशा अपने बेटों के साथ, अपने बड़ों के साथ इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। उसके साथ मस्तिष्क रेखा जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। देखिए, मंगल पर्वत पे जाने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को लॉजिकल थिंकिंग व्यक्ति की अच्छी होती है। लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अच्छा कार्य कर सकता है। और बाद में हम बुध पर्वत और बुध की उंगली से भी जानेंगे कि व्यक्ति जीवन में बिजनेस रिलेटेड इनका माइंड किस तरह से, व्यक्ति बिजनेस में क्या क्या कर सकता है। उसके बाद में देखते हैं मस्तिष्क रेखा पर इनके यहाँ पर एक त्रिकोण निशान बन रहा है। देखिए, मस्तिष्क रेखा पे बनने वाला त्रिकोण का निशान मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि के दम पर जहाँ पे अपनी चाणक्ष बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। थॉट प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। इनोवेटिव इनकी बुद्धि ऐसे व्यक्ति की होती है, चालाक होती है और बुद्धि के दम पे कोई भी चीज़ ये हासिल कर सकते हैं, किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। चतुर चालाक ये व्यक्ति होते हैं और पढ़ाई में भी ऐसे व्यक्ति अच्छा करेंगे अगर वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस कर लिया है तो बुद्धि के दम पे जीवन में बड़ी से बड़ी चीज़ ये अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा विष्णु सिंबल बन रहा है। हृदय रेखा के का सिंबल द्विभाजित हो रही है। हृदय रेखा से कोई रेखा नीचे की तरफ जा रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति कभी इमोशनल निर्णय ले लेते हैं, पैसे के मामले में धोखा ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। दूसरे और नियर एंड डियर लोग ऐसे व्यक्ति के पैसों के मामले में धोखा देने का इनके हाथ में चांस नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखिए, इनके हृदय रेखा पे नीचे से रेखा निकल रही है। ऐसे व्यक्ति को हाइपरटेंशन और शुगर रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस इनके हाथों में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में इनके हाथों में देखिए ये है बुध पर्वत और ये है छोटी उंगली का स्थान। छोटी उंगली पे देखिए, ये मध्यम पर्व और ऊपर का पर्व ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो भी ये कार्य कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति बिजनेस करना पसंद करते हैं। वहाँ पर इनको इस हाथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंड अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छी है, जो कार्य करते हैं वो पसंद भी करते हैं, वक्तृत्व शैली अच्छी है ऐसे व्यक्ति के, बुद्धिमान चालाक तो हमने यहाँ पे भी कहा। तो ओवरऑल बिजनेस माइंडेड पर्सन का हाथ, ये हाथ हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही बुद्धिमान चालाक व्यक्ति का भी ये हाथ है ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। बाकी उंगलियों की तुलना में बुध जो छोटी उंगली है वो हट के खड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति के विचार थोड़े मॉडर्न किस्म के होते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़े वैचारिक लेवल से दूसरों से या फिर सोसाइटी से, इनके फ्रेंड सर्कल से थोड़े हटके होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और बिजनेस में ये स्किल ये इस्तेमाल करके सफलता पा सकते हैं। देखिए, इनके हाथ में देखिए, ये है शनि पर्वत का स्थान।
शनि की उंगली मिडल फिंगर, इसकी हाइट भी अच्छी है, अनामिका से लंबी है, तो ये दर्शाती है कि देखिए, और उनकी ये जो भाग्य रेखा है वो निकल रही है केतु पर्वत से, ऐसे व्यक्ति को मतलब मित्र परिवार से सफलता करियर के लिए मदद मिले ना मिले, ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करके रहते हैं, मल्टीपल बिजनेस करेंगे, एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करेंगे, ऐसे इनके हाथ में योग है, अंत तक ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता रहेगा, ऐसे बीच बीच में गैप गैप नज़र आ रहा है जीवन भाग्य रेखा में, ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते जाएंगे, तब व्यक्ति के उनको अपना प्रोफेशन चेंज या फिर बिजनेस चेंज करने की भी नौबत आ सकती है, ऐसे इनके हाथों में पता चल जाता है। उसके साथ केतु पर्वत से और निकलने वाली भाग्य रेखा है दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जब भी इनका जन्म होता है तब से अपने फैमिली के लिए ये लकी रहते हैं और फैमिली का जो भी नाम है वो रोशन करने की काबिलियत या फिर लक में धन में वृद्धि करने का भी इनका योग इनके हाथ में पता चल जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में देखिए ये है सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत पर देखिए मछली का चिन्ह बन रहा है। देखिए सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह बनना व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने की काबिलियत रखता है। जिस भी फील्ड में व्यक्ति कार्य करते हैं वहाँ पे ऐसे व्यक्ति का अच्छा नाम होता है। देखिए ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल सकती है, या फिर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में भी ऐसे व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में गुरु मेखला नज़र आ रही है। गुरु मेखला जिन व्यक्तियों के हाथों में होती है ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति देखिए धार्मिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ये सारी चीज़ें तो होती है, धर्म का ज्ञान होता है। उनके साथ ही ऐसे व्यक्ति में ये देखा गया है कि गूढ़ विद्याओं का भी ज्ञान इनके अंदर होता है। उसके साथ ही देखिए मिस्टिक क्रॉस इनके हाथों में मौजूद है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति में अक्सर देखा गया है कि पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है, और ऐसे व्यक्ति दूसरों का भविष्य भी बताने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति में होती है। उसके साथ उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि गूढ़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति को रुचि होती है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर अच्छे धर्म गुरु ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसे इनके व्यक्ति के हाथों में हमें संकेत नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ही ओवरऑल लाइफ में धन की ऐसे व्यक्ति को कमी नहीं नज़र आएगी, बीच बीच में जो प्रॉब्लम हर्डल्स आएगी वो कंप्लीट होके कुछ फेज़ के बाद इनकी लाइफ में अच्छा जीवन इनका बीत जाएगा। उसके बाद में इनके हाथ में देखिए जीवन रेखा से पता चल रहा है 85+ की इनकी आयु इनके जीवन रेखा से पता चल रही है। उसके बाद में बुढ़ापे में ऐसे इनके हाथ में पता चल रहा है कि थोड़े बहुत इनके बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस है, फैमिली के साथ संबंध बिगड़ने के भी योग थोड़े या फिर वाद विवाद बहुत मेजर एक्सट्रीम लेवल पे जाके होगा ऐसे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल या फिर वहाँ से कुछ इनके बिजनेस रिलेटेड ग्रोथ के भी चांसेस इनके हाथों में नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। उसके साथ देखिए इनके हाथों में देखिए हम देखते हैं कि ये देखिए शुक्र पर्वत, इस पर्वत को हम शुक्र पर्वत का स्थान कहते हैं। शुक्र पर्वत इनका उभरा हुआ है, जाली के निशान बन रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि थोड़े व्यक्ति में अगर शुक्र पर्वत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तो व्यक्ति को देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद होने लगती है। उसके साथ ही निगेटिव एडिक्शन व्यक्ति को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल ना करे तो उस वजह से ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, ऐसे इनके हाथों में संकेत नज़र आ रहे हैं। और अंगूठा देखिए, अंगूठे का मध्यम पर्व बहुत लंबा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति निर्णय क्षमता इनकी अच्छी रहती है, लेकिन उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसे इनके हाथों में लक्षण है। अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है, मतलब एडजस्टिव नेचर है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले हैं, अपने आप पे खर्च पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट ईजिली हो जाते हैं, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। मंगल पर्वत से पता चल रहा है कि इनके हाथों में देखिए लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी के मैटर, दुश्मनों का मैटर इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही देखिए इनके हाथों में
राहु पर्वत से पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति में अचानक धन लाभ के योग है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में भी अच्छा धन कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।